नमस्कार, गीता की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे अदरक और लहसुन की अचार, इसको लहसुनाई भी कहते हैं। आइए अब हम बनाते हैं। देखिए, आज हम बनाने जा रहे हैं लहसुन और अदरक की अचार। इसको गांव में या शहर में दोनों जगह कहा जाता है, लहसुनाई भी, बहुत लोग कहते हैं उसको खुनुआ। तो आज हम इसको बनाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। आइए अब हम काटते हैं। देखिए, पहले इसे लहसुन को ले लिया जाता है, इसके बाद में ऐसे इसको कट कर दिया जाता है। देखिए, जो पीला हो जाता है हल्का सा, इसको हटा दिया जाता है और इसको ऐसे रख दिया जाता है। देखिए, हम सोचे लहसुन का महीना चल रहा है, आज आप लोग को यही मतलब बनाकर बता दें। देखिए, ऐसे लहसुन कट गया। अब इसके बाद में ऐसे मिर्चा रख लेंगे और धनिया पत्ता साफ करके रख लेंगे। अदरक को ऐसे छील कर हम रख लेंगे। अब सारा सामान हम काट कर लेंगे, फिर आपको दिखाएंगे आगे। देखिए, ऐसे इसको हम साफ करके काट लिए हैं। अब आइए हम धनिया को काट दें। ऐसे इसको काट कर ऐसे झार झार कर इसको रख लेना चाहिए। पहले देखिए, ये जो पीछे का है सोर टाइप का, इसको हटा लेना चाहिए। ऐसे झार झार कर देख कर साफ करके ऐसे रख लेना चाहिए। देखिए, ऐसे इसको हम कट कर लिए हैं। अब ऐसे थोड़ा थोड़ा लेकर जितना अपने हाथ में आ जाए ऐसे छोटा छोटा टुकड़ा ऐसे कर देना चाहिए इसको। इसको खल में कूटना है ना, इसलिए इसको छोटा बड़ा से कोई फर्क नहीं है, ज्यादा बड़ा ना हो, बस इतना ही होना चाहिए। इसी तरीके से हम धनिया सारे कट कर लिए हैं। अब इसको ऐसे एक टोकरी में रख देंगे इसको भी। अब आइए हम अदरक छील लें। पहले ये देसी अदरक है इसलिए छोटा है, पहाड़ी अदरक रहता है तो लंबा रहता है। देखिए, अदरक भी हम छील दिए हैं। देखिए, एक किलो लहसुन जो है, ये मतलब लहसुन का जो पत्ता है, मतलब एक किलो ये रहता है, तो 250 ग्राम धनिया का पत्ता, 250 ग्राम अदरक और 250 ग्राम मिर्चा और 200 ग्राम खटाई रहेगा और स्वाद अनुसार नमक। आइए अब इसको हम मिर्चे को तोड़ लें। पहले ऐसे इसको तोड़ कर रख लिया जाता है, इसको कट नहीं करना रहता है। वो जब कुटाएगा खल में तो कुट जाएगा। देखिए, अब हम सारे सामान साफ कर लिए हैं। एक बार हम फिर बता दे रहे हैं, एक किलो लहसुन, ये जो पेड़ वाली लहसुन होती है, और 250 ग्राम धनिया, और देखिए 250 ग्राम मिर्चा, 250 ग्राम अदरक, 200 ग्राम खटाई रहेगा और स्वाद अनुसार नमक, और तेल थोड़ा सा 2-4 चम्मच रहेगा, बस इतना सामान इसमें पड़ता है। आइए हम इसको पहले कट कर लें फिर बताएं। देखिए, इसको ऐसे इतना बड़े बड़े पीस में कट कर लेना है, ज्यादा बड़ा नहीं करना है, नहीं तो नहीं खाने में अच्छा लगता है, इतना ही बड़ा करना है। ऐसे इसको कट, और सामान नहीं कट करना, सिर्फ धनिया का पत्ता कट करना रहता है और ये लहसुन मिर्चा अदरक नहीं कट करना रहता है। और खटाई को तो कूटना रहेगा, या तो आप पाउडर डाल दें गोल्डी का, हम ऐसे खटाई डालेंगे, मेरे पास खटाई रखी है वही हम डालेंगे। देखिए, इसी तरीके से हम सारे कट कर लिए हैं। अब इसको हम चलें धुलें, आपको दिखाएं धुलते हुए। देखिए, इसी तरीके से हम सारे ऐसे धुल लेंगे। देखिए, ऐसे एक चलनी ले लेना चाहिए, या तो ऐसे मतलब महीन जाली का ये टोकरी। अब इसको ऐसे करके ऐसे, या तो आप टोटी नीचे भी कर सकते हैं,
हम छत पे कर लिए हैं, छत पे कटती है, छती पे हम धो लिए हैं। यहीं सुखाना रहेगा 5-10 मिनट उसको पानी। देखिए इसी तरीके से हम धनिया के पत्ते भी धुल लेंगे। इसी टोकरी में धुलना चाहिए या झन्नी में, क्योंकि वो मतलब बाहर न गिरे, महीन जाली में से धुल लेना चाहिए, इससे इजली रहता है। और देखिए हम थोड़ा बनाकर बता दे रहे हैं, अभी हम बनाएंगे और अपना थोड़ा सा हम बनाकर दिखा दे रहे हैं। देखिए इसी तरीके से इसको भी हम धुल ली। अब इसी में हम ऐसे रखते जाएंगे। अब इसके बाद में इसी टोकरी में अदरक और मिर्चें भी ऐसे धुल देंगे। जो बड़ा अदरक रहा है तो इसको 2 टुकड़ों कर लेना चाहिए, और इतना होना चाहिए, कूटने में भी छोटा हो जाएगा। देखिए ऐसे हम ओखल और एक पत्ते ले ली है, इसी में भी हम कूटेंगे। इसको भी हम धुल कर सुखवा लें धूप में। लोहे का रहता है, बहुत लोग शीतल के भी रखते हैं, लोहे के रखे हैं, इसमें कूटते हैं। देखिए इसी टोकरी में ऐसे 10-15 मिनट तक रख देना चाहिए, क्योंकि इसका जो पानी है इसमें गिर जाता है। देखिए अब इसको हम फेंक देंगे। एक कपड़ा लेंगे ऐसे, ये बेड हम धुल दिए हैं कटने के बाद। अब इसको हम ऐसे एक बार नहीं कोना है, नहीं तो पानी आ जाएगा, थोड़ा बहुत रहता है जो। इसी धूप में हम इसको ऐसे पानी सूखने तक सुखवा लेंगे, ज्यादा नहीं सुखाना है, सिर्फ पानी सूख जाए। थोड़ा सा बनाकर बता दे रहे हैं। देखिए अब ये सूख गया है, अब इसको हम उठा लें, फिर इसको हम कूट कर दिखाएंगे आप लोग को। देखिए लहसुन अब सूख गया था ना, अब हम इसको कूट के दिखा दें आप लोग को। देखिए देखिए ऐसे थोड़ा थोड़ा करके, देखिए मिक्सर जार में जो करें तो इतना अच्छा कुटाता नहीं है, इसलिए इसी में करना चाहिए, जो प्रथा चला आया है इसी तरह से बनाना चाहिए, तो ज़्यादा टेस्टी रहता है। ऐसे इसको कूटना चाहिए, फिर ऐसे चला देना चाहिए। इतना ही बारीक रहना चाहिए, ज्यादा ना मोटा रहना चाहिए ना ज्यादा पतला। देखिए मिक्सर जार में जो इसको पीसो तो ऐसा नहीं होता है, वो एकदम बिल्कुल चटनी बन जाता है, इसीलिए इसी खलबट्टे में कूटना चाहिए इसको, जो इसी टेस्ट को खाना रहे तो। और वैसे तो चटनी बनाकर सब लोग खाते हैं। देखिए एक बार तो हम कूट दिए, भूल गए खटाई नहीं डाली थी। देखिए इसमें ऐसे 2-2 कली खटाई डालकर कूटना भी चाहिए, ऐसे साथ में कूटते रहेंगे, क्योंकि हम पाउडर नहीं डालेंगे, जो गोल्डी का जो आता है पाउडर, खटाई पाउडर जैसे अमचूर पाउडर, वो सब लोग डालते हैं, हम खटाई डालेंगे, इसलिए हम इसी के साथ में ऐसे 2-4 डालकर कूटते रहेंगे। देखिए अब सारे हम कूट लेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। देखिए ऐसे हम कूट दिए हैं सारे, अब इसको ऐसे सारे खाली कर लेंगे हम, इसी बड़े बर्तन में हम खाली कर लें इसको। देखिए इसको हम ऐसे कूट लिए हैं, ये जो थोड़ा बहुत खटाई है जो मतलब वो हम मतलब दरबरा करके कूटे हैं, क्योंकि खाने में वो अच्छा लगता है, इसीलिए बिल्कुल बारीक नहीं कूटना चाहिए खटाई को। अब इसमें हम देखिए स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, इसमें सब्जी से ज़्यादा नमक लगता है, सब्जी में अनुसार लगता है, इसमें थोड़ा नमक ज़्यादा लगता है, क्योंकि अदरक मिर्चा खटाई सब है ना, तो हम 5 चम्मच नमक डाल दिए हैं इसी चम्मच से। और इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल, ज़्यादा नहीं डालना रहता है, जो इसको 1 साल रखना रहता है तो ज़्यादा डाल देना चाहिए, और जो ना रखना रहे डेली रेगुलर खाना रहता है तो थोड़ा सा डाल देना चाहिए, 2 चम्मच इसी चम्मच से डाल देना चाहिए। ऐसे करके अब इसको हम 2-4 दिन धूप में ऐसे दिखा देंगे, इसके बाद में एक डिब्बे में सीसा जार में मतलब डिब्बे मतलब सीसा जार में रख देंगे, फिर डेली इसको यूज करेंगे। और जो हमें रखना रहता है तो हम इसको ज़्यादा तेल डाल देते हैं, ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि वो साल भर रखना रहता है, तो हम ये खाने के लिए बनाए हैं, 1-2 महीना ये चलेगा। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।
और कमेंट बॉक्स में बताइए कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा।